एमसीबी जिले का एक ऐसा वनांचल क्षेत्र जहां सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन काल की खंडित मूर्तियां 5 पेड़ों के नीचे पड़ी हुई हैं, पर इनके बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं है। ना तो पुरातत्व संस्कृति विभाग सामने आया और ना ही जनप्रतिनिधियों ने इसके संरक्षण करने की आज तक कोई जहमत उठाई है। अब आलम यह है कि ये प्राचीन काल के खंडित मूर्तियां खुले आसमान के नीचे संरक्षण की बाट जोहते पड़ी हुई हैं। रफ्तार मीडिया ने जब कलेक्टर को खंडित मूर्तियों की जानकारी दी तो उन्होंने संरक्षण का आश्वासन दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पुरातात्विक खजानों की कमी नहीं है। संबंधित विभाग को केवल इसे सहेजने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत छिपछिपी की, जहाँ सैकड़ों वर्ष पुरानी भगवान की कलाकृतियों वाली मूर्तियाँ लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र तो बना ही है, मगर लोगों को यह भी सोचने को मजबूर करता है कि आखिरकार खुले आसमान के नीचे बिखरी पड़ी मूर्तियाँ कब और कैसे आया। हालांकि इन मूर्तियों के बारे में इस गांव के कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह पाने में अपनी असमर्थता जताते हैं। वहीं जब इन खंडित मूर्तियों के बारे में एक बुजुर्ग व्यक्ति से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तब उनका कहना है कि ये मूर्तियां हमारे बाप दादा के जमाने के पहले से रखी हुई है, जिसके बारे में कुछ भी बता पाना असंभव है कि आखिर यह खंडित मूर्तियां कब और कैसे यहाँ आई। बुजुर्ग ग्रामीण ने बिखरे खंडित मूर्तियों के रखरखाव को लेकर बताया कि पूर्व विधायक द्वारा इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए थे, मगर वर्तमान विधायक आज तक इधर देखने तक नहीं आए। ग्राम मतलब छिपछिपी है और यहाँ ये मूर्तियाँ पहले से हैं। मेरा उम्र 63 साल है और मेरे पिताजी, इसके बाद मेरे बाबा जी यहाँ आए, तब से यहाँ मतलब ऐसा ही पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक बाबा जी आए मेरे बाबे के ज़माने में, उनका नाम सुखराम सिंह था, और वहीं आकर के यहाँ पर इसको सब मतलब खड़ा किए इस पेड़ के नीचे ना, जहाँ पर 5 पेड़ हैं ना। अभी वही गांव वाले विजयदशमी और नवमी वगैरह में करते हैं, बाकी समय नहीं कोई करता, इसलिए नहीं बोले हैं ना। अच्छा, विधायक श्याम बिहारी जी देख के गए हैं, इसके लिए सिर्फ ये मंच भर बनवा पाया, इसके बाद मतलब उनका ठार हो गया और दूसरा आ गया ना। तो दूसरा विधायक कभी आए यहाँ पे देखने? अभी तक नहीं आए। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत छिपछिपी में वर्षों पुरानी खंडित मूर्तियां मिलने के बाद ही इस इलाके को मूर्तिपारा का नाम दिया गया, मगर आलम यह है कि इन मूर्तियों के संरक्षण और रखरखाव के प्रति आज तक ना ही पुरातत्व विभाग और ना ही कोई जन प्रतिनिधियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई। विडम्बना यह है कि आज यह प्राचीन काल की मूर्तियां 5 वृक्षों के साए में बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो इन बिखरे और खंडित मूर्तियों में भगवान विष्णु नजर आते हैं, और यही वजह है कि ग्रामीण इन मूर्तियों को संरक्षण कर इसकी देखरेख के साथ ही साफ सफाई भी करते हैं, और मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए ग्रामीणों ने बांस की फेंसिंग भी लगा दी है। वहीं गांव के ग्रामीण ने बताया कि इस जगह पर हर साल रामनवमी के दिन गांव वाले पूजा भी करते हैं और आस्था का केंद्र बिंदु मानते हुए इसका संरक्षण अपने स्तर पर करते हैं। ये मेरी मूर्ति कब का पड़ा है मैं नहीं जानता है। मैं बस ये गांव वाले कर रहे हैं थोड़ा भाई। हाँ, रामनवमी करते हैं, बस ये रूंद घूर कर दे हैं थोड़ा, अरे रोक रिकॉर्ड कर दिए हैं थोड़ा, मैं बोले जब तुम्हें तो नहीं है। वहीं जब इन खंडित प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण को लेकर जब हमारे संवाददाता पंकज कांत दुबे ने एमसीबी कलेक्टर पीएस ध्रुव से बात की तो वह भी यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए और अब तक इसके बारे में किसी के द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने की बात कही। वहीं कलेक्टर पीएस ध्रुव ने इसकी जानकारी रफ्तार मीडिया के माध्यम से मिलने की खबर पर मुहर लगाते हुए तत्काल पुरातत्व और संस्कृति विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर जल्द ही इनके संरक्षण की बात कही। रफ्तार मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुआ है। हम इस संबंध में पुरातत्व संस्कृति विभाग से, उनके विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सैकड़ों वर्ष पुरानी इन प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग कब तक अपनी दिलचस्पी दिखाती है, या फिर पूर्व की भांति सिर्फ आश्वासन देने में ही अपनी सक्रिय भूमिका अदा करती है। रफ्तार मीडिया के लिए मनेन्द्रगढ़ से ग्राउंड जीरो से पंकज कांत दुबे की रिपोर्ट।